रेखा की सौतेली बहन नारायणी गणेश ने एक बार अपने पिता जिमनी गणेशन के बारे में कहा था कि अप्पा की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो औरतों पर अपना जादू चला देते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोदिस और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज की कहानी है रेखा की मां पुष्पावली और उनके बायोलॉजिकल फादर जिमनी गणेशन की। चेन्नई के माउंट रोड पर जो प्रीमियम होटल द पार्क आज आप देखते हैं, किसी जमाने में इसी जगह पर मशहूर जिमनी स्टूडियो हुआ करता था। वो साल 1947 का दौर था। उन दिनों जिमनी स्टूडियो के मालिक एसएस वासन और दक्षिण भारत की मशहूर हीरोइन पुष्पावली के अफेयर के किस्से सुर्खियों में रहा करते थे। तब पुष्पावली की उम्र 30 के करीब रही होगी। शादी की नहीं थी, लेकिन पिछले रिश्ते से उनके दो बच्चे थे, एक बेटा जिसे प्यार से सब बाबूजी कहते थे और दूसरी बेटी जिसका नाम रमा था। पुष्पावली के बारे में ये कहते हैं कि वो बहुत कुछ चाहने वाली महिला थी, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी। पुष्पावली को अपने करियर और रिश्ते इन दोनों में एक दर्जे की तलाश थी। जिमनी स्टूडियो के मालिक वासन पहले से ही शादीशुदा थे। वो पुष्पावली को हर चीज देने के तैयार थे सिवाय अपने नाम के। जबकि दूसरी तरफ पुष्पावली वासन से शादी करना चाहती थी और इसी कश्मकश में दिन बीतते गए। उन्हीं दिनों मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाने वाले एक लेक्चरर का दिल अब बीकर और पनखली की कैद से बाहर निकल रहा था। वो जवान लेक्चरर जिंदगी में कुछ क्रिएटिव करना चाहता था और इस क्रिएटिव करने की चाहत में उसने कॉलेज की शानदार नौकरी छोड़कर जिमनी स्टूडियो के प्रोडक्शन हाउस में एग्जीक्यूटिव के मामूली पद पर खुद को लाखड़ा किया। इसके बाद जुनून ने चाल चल दी और किस्मत का खेल तो अभी बाकी था। उन्हीं दिनों जिमनी स्टूडियो में फिल्म मिस मालिनी को बनाने का ऐलान किया गया। ये तय किया गया कि फिल्म की हीरोइन कोई और नहीं बल्कि पुष्पावली होंगी। एक छोटा सा रोल कॉलेज छोड़कर आए उस युवा लेक्चरर को भी मिल गया। पुष्पावली के साथ कुछ ही सीन शूट हुए थे कि इन दोनों की नजर आपस में मिल गई। धीरे धीरे नजदीकियां और ज्यादा बढ़ने लगी और फिर यह खबर उनके बॉस तक पहुंची। उन दिनों जिमनी स्टूडियो के मालिक एसएस वासन को हर कोई बॉस कहकर बुलाता था। खैर, फिल्म बनी और मिस मालिनी फिल्म हिट भी हुई। इस फिल्म की कामयाबी और इस नए लड़के से पुष्पावली की बढ़ती हुई नजदीकियों से निपटने का एक तरकीब वासन के दिमाग में आकार ले चुकी थी। वासन ने एक हिंदी फिल्म बनाने का सोचा और इससे कि पुष्पावली को जिमनी स्टूडियो से दूर रखा जा सके। साल 1951 में पुष्पावली की हिंदी फिल्म संसार सुपरहिट थी। फिल्म से वासन की अच्छी कमाई भी हुई थी। अब वासन का दिल पुष्पावली और दिमाग तब के बंबई में चल रहा था। वासन ने एक बड़े बजट की फिल्म इंसानियत का ऐलान कर दिया। इस फिल्म में बतौर हीरो दिलीप कुमार और देवानंद को साइन किया गया। वासन पुष्पावली को इस फिल्म की हीरोइन भी बनाना चाहते थे। वासन ये जानते थे कि इस फिल्म की कामयाबी पुष्पावली को मुंबई की फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा स्टार बना देगी। लेकिन वासन की इसके साथ एक शर्त भी थी। शर्त ये थी कि अगर पुष्पावली को ये फिल्म करनी है तो वासन या फिर उस नए लड़के में किसी एक को चुनना होगा। पुष्पावली ने बिना समय गंवाए उस नए लड़के को चुन लिया था। उस लड़के का नाम था रामास्वामी गणेशन, जिसे सारी दुनिया जिमनी गणेशन के नाम से जानती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेखा पुष्पावली और जिमनी गणेशन की बेटी है। जी हाँ, वही जिमनी गणेशन जिन्होंने पुष्पावली से कभी शादी नहीं की। रेखा हमारे दौर और भारतीय सिनेमा की आदिकाल तक रहने वाली सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। बॉलीवुड का इतिहास हमेशा उन्हें याद रखेगा, लेकिन उनकी ये कहानी उनकी जिंदगी की तरह ही दिलचस्प है। आज की कहानी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप जरूर बताइएगा कि क्या ये किस्सा आपको दिलचस्प लगा। कोई और किस्सा आपको सुनना होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जाते आते फिर इतना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।